स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे 165 वाट सोलर सिस्टम के बारे में। 165 वाट सोलर सिस्टम के लिए आपको कौन सा बैटरी लेना चाहिए, कितने VA का इन्वर्टर लेना चाहिए, कितने देर का दोस्तों आपको बैकअप मिलेगा 165 वाट का सोलर सिस्टम लगाते तो, टोटल प्रोडक्ट में कितना वारंटी मिल जाएगा, कितने रुपए में दोस्तों आप खरीद सकते हैं, ये सब सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम डिटेल्स में बताने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आप सब बहुत सारे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 165 वाट सोलर सिस्टम के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आवश्यकता पड़ती है दोस्तों पैनल के लिए। 165 वाट के अंदर आप कौन से कंपनी का पैनल खरीद सकते हैं, तो मार्केट में दोस्तों बहुत सारे पैनल अवेलेबल है 150 वाट, 160 वाट, 165 वाट के रूप में। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं लुमिनस सिस्टम के बारे में। बैटरी भी दोस्तों लुमिनस का ही होगा, इन्वर्टर भी लुमिनस का होगा और सोलर पैनल भी लुमिनस का ही होगा। आप कोई भी ब्रांड खरीद सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को दोस्तों पर्सनली लुमिनस के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इसलिए हम आपको लुमिनस के बारे में बता रहे हैं। लुमिनस कंपनी के 165 वाट का सोलर प्राइज है 5,000 रुपये। ये मैं आपको प्राइज बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट प्राइज बता रहा हूँ। ये पॉलीक्रिस्टलिन पैनल के प्राइस हैं। छोटा सिस्टम के लिए दोस्तों आप पॉलीक्रिस्टलिन से भी अपना काम चला सकते हैं, जहाँ पे बड़ा बड़ा सिस्टम लगता है वहाँ पे मोनोक्रिस्टलिन का ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के, कि इन्वर्टर कौन सा खरीदे 165 वाट के लिए। तो कम से कम दोस्तों आप 400 VA का इन्वर्टर खरीदिए, लुमिनस का NXG 750 मॉडल। इस इन्वर्टर का प्राइस है 4,000 रुपये। और बात आती है बैटरी का, कि बैटरी आप कितने AH का खरीदें। तो अगर यदि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है तो आप 80 AH का बैटरी खरीद लीजिए। 80 AH का बैटरी जो है पूरे दिन में चार्ज होगा 165 वाट सोलर पैनल से। और इलेक्ट्रिसिटी है आपके यहाँ तो आप 150 AH का भी बैटरी खरीद सकते हैं, 100 AH का भी बैटरी खरीद सकते हैं। 150 AH का बैटरी आप खरीदते हैं अभी लुमिनस कंपनी का 3 ईयर वारंटी के साथ, तो उसका प्राइस होगा 12,500 रुपये। और 5 ईयर वारंटी के साथ खरीदेंगे तो उसका प्राइस होगा 14,500 रुपये। 150 AH का बैटरी दोस्तों पूरे दिन में चार्ज होगा 80 AH। और इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ 2-4 घंटे भी रहेगा तो जो बचेगा वो इन्वर्टर से चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सोलर इन्वर्टर है तो सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी से भी दोस्तों बैटरी को चार्ज करता है। बात आता है वायर और सोलर स्टैंड के बारे में, इस वायर कितने का मिलेगा, सोलर स्टैंड कितने का मिलेगा। वायर दोस्तों आप 10-10 मीटर खरीदते हैं तो वायर का प्राइस होगा 1,000 रुपये और सोलर स्टैंड का प्राइस होगा 500 रुपये। तो कुल मिला के दोस्तों आप 22,000-23,000 रुपये में अपना पूरा सिस्टम लगा सकते हैं। बैकअप की बात करें तो अगर यदि सिर्फ सोलर पैनल से अगर यदि बैटरी को चार्ज करेंगे तो आपको 80 AH का बैटरी से 800 वाट तक का बैकअप मिल जाएगा, यानी कि 100 वाट का लोड आप 8 घंटे चला सकते हैं सिर्फ सोलर पैनल से चार्ज करने पर रात में। और बैटरी इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी फुल चार्ज होता है 150 AH का, 1500 वाट तक लॉट चला सकते हैं 150 AH बैटरी से। तो बैकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया मिलता है लुमिनस बैटरी से बैकअप। तो दोस्तों ये थे सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। अब बात करते हैं इन्वर्टर की डिटेल्स के बारे में, कि लुमिनस का NXG 750 इन्वर्टर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं। लुमिनस का जो NXG 750 मॉडल है दोस्तों छोटा सिस्टम के लिए A1 इन्वर्टर है। कम प्राइस में आपको बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर मिलता है। इस इन्वर्टर का जो VA रेटिंग है 400 VA का इन्वर्टर है। इस पर आप अधिक से अधिक लॉड चला पाएंगे 300 वाट तक का। 2 फैन एक बार में चल जाएगा, 6 से 7 LED बल्ब एक बार में दोस्तों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इससे टुल्लू पंप वगैरह चाहें तो नहीं चला सकते हैं, फ्रिज वगैरह कुछ नहीं चला सकते हैं इतना छोटा सिस्टम से। इन्वर्टर में वारंटी मिलता है 24 मंथ का, पैनल में वारंटी मिलता है 25 ईयर का परफॉर्मेंस वारंटी, और बैटरी में वारंटी मिलता है दोस्तों 3 ईयर या 5 ईयर वारंटी। इन्वर्टर में आप अधिक से अधिक 400 वाट तक का पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर यदि आपको लगे कि मेरा 165 वाट का पैनल से काम नहीं चल रहा है तो आप उसमें 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट तक का पैनल कनेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस इन्वर्टर के अंदर इनबिल्ट 20 एम्पियर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। तो ये थे दोस्तों कुछ लुमिनस सोलर सिस्टम के बारे में।
जो आपके यहाँ अवेलेबल है उसको खरीद कर अपना काम चला सकते हैं। हमारे यहाँ पे दोस्तों इसी टाइप का सिस्टम लगा हुआ है। हमारे यहाँ माइक्रोटेक का 725 VA इन्वर्टर लगा हुआ है, 100 AH का लुमिनस बैटरी लगा हुआ है और 165 वाट का लुमिनस सोलर पैनल लगा हुआ है। अभी 2-3 दिनों से दोस्तों लाइट नहीं आई, लेकिन हमारे जो लाइट है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। थोड़ा कम धूप आज था तो लाइट जलाने इतना दोस्तों काम चल जाता है। तो आप अगर यदि सोलर सिस्टम लगाते हैं तो लाइट जाने के बावजूद भी आपको अंधेरा में नहीं रहना पड़ेगा। 20 से 22 हज़ार रुपये एक बार खर्चे होते हैं, लेकिन आपको 4 से 5 साल तक का कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन 7-8 साल तक का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बैटरी है लुमिनस का वो 7-8 साल आराम से चल जाता है अगर यदि 5 ईयर वारंटी के साथ लेते हैं तो। दोस्तों ये थे लुमिनस कंपनी की स्मॉल सोलर सिस्टम के बारे में। अगला वीडियो आप लोग कौन सा देखना चाहते हो कमेंट्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड अभी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स करके पूछिएगा, आप सबको जरूर जवाब मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।